जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SR TV और मैं हूं शफकत राणा। इस वक्त हम मौजूद हैं अबू ज़ेबी के साहिल समंदर पर। ये जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आएगी वो ये है इत्तेहाद अरीना। यहाँ पे आईफा अवार्ड हो रहा है और ये समंदर का किनारा है। इस पानी के अंदर तक आकर दुबई की हुकूमत की तरफ से ये शहर बनाया गया। लोग यहाँ पे सैर करने आते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो आए मैं आपको फिर थोड़ी थोड़ी इसकी सैर करवाता हूँ। यहाँ पे लोग मुख्तलिफ ममालिक से कवरेज करने के लिए आए हैं और ये सारा यहाँ पे पानी था, लेकिन यहाँ पे मसनूई तरीके से मट्टी, रेत और ऐसी चीज़ें समंदर के अंदर तक इन्होंने फेंकी और इस जगह पे इन्होंने वो एक अच्छा बना लिया। ये देखें, ये एक तैराक उन्होंने बनाया है कि तैराक है और वो बाहर निकला। ये देखें समंदरी पानी से ये एक स्टैचू बनाया उन्होंने। ठीक है जी, ये बड़ा ज़बरदस्त है और लोग यहाँ भी तस्वीर बनवा रहे हैं और इन तस्वीर को यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे। आप कभी यहाँ आएँ और यहाँ आकर आप ये जगह देखें। ये देखें बहुत खूबसूरत, दुबई भी खूबसूरत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अबू ज़ेबी जो है, जिसे अबू धाबी कहते हैं आप, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आएँ तो अबू ज़ेबी का ये इलाका आप ज़रूर देखें। और इसको अभी मैं आपको पीछे अपने दिखाता हूँ, ये है इत्तेहाद अरीना। ये इसमें आईफा अवार्ड हो रहा है, आज पहला दिन है आईफा अवार्ड का। कल 25 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ मुख्तलिफ एक्टर बॉलीवुड के आए हुए थे और आज यहाँ पे वो परफॉर्म करेंगे। अवार्ड्स तकसीम किया जाएगा, आज 26 है और फिर कल 27 को यहाँ पे दूसरा दिन होगा अवार्ड्स की सेरेमनी का, कि कौन सी फिल्म, कौन सा एक्टर वो जो ये अवार्ड हासिल करने में कामयाब हुआ है। मैं ये देख के रान हो रहा हूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त उन्होंने बनाया। ये देखें है जी कि एक तैराक है और वो अंदर से निकला है पानी से और आधा वो पानी के अंदर है। लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इसको और आप भी जब आएंगे अबू ज़ेबी तो इसको एंजॉय करेंगे। तो SR TV देखते रहें, मैं आपको दुनिया भर की सैर करवाता रहूँगा और SR TV को आप सब्सक्राइब भी कर लें। और यहाँ से अभी कोई भी फनकार गुजरेगा तो मैं फिर आपको वो भी दिखाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।